सो हेलो पोकी फैंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है न्यू सीरीज के अंदर जिसका नाम है पोकेमोन रेड एडवेंचर। लास्ट एपिसोड से ही मतलब यार लास्ट एपिसोड फर्स्ट एपिसोड सारी सीरीज का सुनने में बहुत ही और लगता है, लेकिन अगर आपने वो एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ से हमारी एडवेंचर बिगेन हुआ था। तो अगर एपिसोड पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस कर देना और उसके साथ साथ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं गेम को। अभी हम लोग ऑलमोस्ट है इस लड़की की मदद करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग इस लड़की की मदद करने वाले थे, लेकिन एपिसोड का थोड़ा सा शॉर्टेज कर दिया मैंने और यहाँ पे हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके अंदर आपको ट्यूटोरियल दिए जाते हैं कि आप कैसे पोकेमोन को हैंडल करोगे, वैसे ये रेड की ओवरऑल जर्नी है जैसे कि रेड एडवेंचर मांगा में दिखाया गया था, तो उस हिसाब से है। अभी हम लोग पॉलीवल को नाम देने वाले हैं। अभी पॉलीवल आया कहाँ से, हम लोग को मिला कहाँ से, तो उसके लिए आपको लास्ट एपिसोड चेकआउट करना ज़रूरी है। हमें उसका नाम रखेंगे पॉली, मतलब जो निकनेम्स है ना मैं सोच रहा हूँ कि जो पोकेमोन बोलते हैं उस हिसाब से ही रखने वाला हूँ। और पॉली वर्सेस यहाँ पे होने वाला है नीडोरिनो, और नीडोरिनो है कैली का। सो कैली फिनाल ट्राई कर रही है नीडोरिनो को कैप्चर करने के लिए, तो हम लोग उसकी मदद करने वाले हैं। तो बबल अटैक से ट्राई करेंगे क्योंकि नीडोरिनो है ग्राउंड टाइप, तो ज़रूर उसके ऊपर थोड़े से बबल अटैक ज़रूर इफेक्ट करेगा, लेकिन वैसे वाली बात नहीं हो रही है। हम लोग यार ट्राई करेंगे हिप्नोसिस। वो जो स्लीपिंग वाला मेथड है ना वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेथड हम लोग ने लास्ट सीरीज़ के अंदर भी यूज़ किया हुआ, तो लास्ट सीरीज अभी तक आपने चेकआउट नहीं की थी वो थी पोकेमोन लाइट प्लैटिनम की, हम लोग ने कंप्लीट कर दी है, तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अभी जब तक नीडोरिनो सोया हुआ है तब तक उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पहले पोकेबॉल ट्राई कर लेते हैं कि हम लोग इसको कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास पोकेबॉल्स तो है नहीं क्योंकि पोकेबॉल्स तो दिए नहीं, तो अभी क्या कर सकते हैं भाई, इसको तो हराना पड़ेगा। और मेन चीज़ है कि मैं कैप्चर करना चाहता हूँ नीडोरिनो को, लेकिन आगे जाके कैसे पोकेबॉल मिलने वाले हैं उसके ऊपर सारी जर्नी डिपेंड है। तो इसी के साथ, इस अटैक के साथ हम लोग ने नीडोरिनो को तो हरा दिया। पॉली चला गया लेवल 6 के ऊपर। ओ माय आशियस, मतलब देखा जाए तो पोकेमोन वर्ल्ड में ओ माय गॉड की जगह ओ माय आशियस बोला जाता है क्योंकि पोकेमोन गॉड का नाम है आशियस, काइंड ऑफ जमता है। और यहाँ पे हम लोग ने इस बंदी की मदद ज़रूर कर दी है। हाउ अबाउट वी ओके अदर ट्रेनर्स भी हम लोग को ढूंढने जो हम लोग को मदद कर पाए बैटल करने के लिए। ठीक है, वैसे प्रोफेसर ओक के पास भी जाना है, लेकिन वो कब जाना है जर्नी के अंदर दिया हुआ नहीं है। कुछ ऐसे रैंडम्स क्वेश्चन हैं और देखा जाए तो थोड़ा गेम जो है 18 प्लस कंटेंट में चला जाता है। जब भी हम लोग कैली की मदद की थी, अभी देखते हैं वो कुछ देती है कि नहीं देती, कुछ भी नहीं मिलने वाला हम लोग को। और पैलेट टाउन के अंदर रिटर्न जाना पड़ेगा, और अभी हम लोग हमारे खुद के घर पे नहीं है, हम लोग जा रहे हैं डेजी से बात करने के लिए। और यहाँ पे ये बंदी मैप देने वाली थी, लेकिन इसके पास ही मैप नहीं है। आप देख रहे हो, मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ भाई, गंदा वाला है ना। मतलब यार तुझे मैप के लिए रखा हुआ है, तेरे पास मैप नहीं, तो हम लोग क्या करें। और ऊपर जो है वो लास्ट एपिसोड में मैंने हर एक हाउस के बारे में बता दिया था, तो ज़रूर चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम लोग इस बंदी के साथ बात करते हैं। ये बर्ड टैप के बारे में बात करने वाली थी, हम लोग को नू बोल रही है। डेफिनेट सी बात है कि रेड को स्टार्टिंग में पोकेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ऐसे दिखाया गया है, लेकिन वो पोकेमोन्स के साथ अच्छे से रहता है, पोकेमोन्स को फाइट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है ऐसे उसको पता है। और यहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि नीडोरिनो के बैटल के बाद हम लोग को थोड़ा सा डैमेज ज़रूर गिरा है। तो नीचे की साइड पे पोकेमोन सेंटर भी ज़रूर दिया हुआ है जहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो खुद को। और ओरे रीजन के बारे में बात किया जा रहा है, वैसे इस गेम के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा रीजन मिलने वाले हैं। यहाँ पे दो तीन बंदों से बात कर लेते हैं, वैसे एक है चेंसी और दूसरा है बंदा, तो चेंसी तो चेंसी चेंसी बोलेगी। वर्डिन सिटी के बारे में बात कर रहा है, तो नेक्स्ट सिटी ज़रूर होने वाली वर्डिन सिटी, आपको तो इतना बेसिक नॉलेज तो ज़रूर रहेगा अगर आप पोकेमोन फ़ैन है तो। ये टेलीफोन है जिसके अंदर से हम लोग बात कर सकते हैं, ऊपर लैंड सिस्टम है जिसको हम लोग अभी डिस्कवर नहीं करेंगे, आगे जाके अगर हम लोग को लगा तो ज़रूर डिस्कवर करेंगे। फिर से एक बार ये बंदी बात कर रही है हाउसेस के बारे में कि यहाँ पे एक लिटिल गर्ल रहती थी वो वाली, मुझे लगता है कि लिटिल गर्ल जो थी कल के एपिसोड में जो पोकेमोन सेंटर के सामने खड़ी थी वही हो सकती है। फिर से हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं इन सारे बंदों के साथ क्योंकि यार एक सिनारियो के बाद हर एक का जो काइंड ऑफ सिनारियो है बोल सकते हैं डायलॉग सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग सारे बंदों से फिर से एक बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ चुका है, और ये जो है देखा जाए तो सेकेंड चैप्टर के अंदर ही इन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया है टीम रॉकेट के एक मेंबर का, जो ढूंढ रहा है फैंटम पोकेमोन। और आपको अगर फैंटम पोकेमोन पता नहीं है क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फैंटम पोकेमोन है म्यू। म्यू को बोला जाता है फैंटम पोकेमोन। कुछ कुछ बंदों को पता रहेगा, कुछ कुछ बंदों को नहीं पता रहेगा, तो नॉलेज शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनता है। यहाँ पे हम लोग बैटल करने वाले टीम रॉकेट के मेंबर्स के साथ, जो पॉली वर्सेस ज़ुबैट होने वाला है। डेफिनेटली हिप्नोसिस पहले ट्राई करेंगे और एक अच्छा खासा सेटअप रखेंगे। गलती से सेकंड टाइम भी हिप्नोसिस हो गया, और यहाँ पे बबल अटैक यूज़ करके, मैं सोच रहा हूँ पाउंड अटैक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बबल से इतना ज़्यादा डैमेज नहीं गिर रहा है, लेकिन पाउंड से भी कम ही डैमेज गिर रहा है, लेकिन ये रहा इफेक्टिव। और पॉली चला गया लेवल 7 पे, आ गया है शैंशू, बबल अटैक यूज़ करेंगे, और शैंशू ज़्यादा चला गया क्योंकि वो आता है रॉक प्लस ग्राउंड, और उसके वजह से भाई हमारा पॉली चला गया है लेवल 8 के ऊपर। तो फटाफट से लेवल बढ़ने चाहिए, क्योंकि इस गेम के अंदर लेवल 100 तक नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी थी। रोम के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, उस डिस्क्रिप्शन को मैंने पढ़ा, और उसके बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर 100 लेवल्स नहीं, उससे भी आगे है शायद से। तो लेवल फटाफट से बढ़ाओ, जितने अच्छे पोकेमोन पकड़ सकते हो उतने अच्छे पोकेमोन पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करना बनता है बॉस, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट वर्ल्ड है और इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से पोकेमोन भरे हुए हैं, वो भी हम लोग को चेकआउट करना पड़ेगा। किधर तक है वो भी पता नहीं मुझे अभी तक, तो धीरे धीरे करके हमारे ट्रैवलिंग जर्नी में आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चल जाएगा। कैटर भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। हम लोग आ चुके हैं वरेडियन फॉरेस्ट के आसपास, यहाँ पे है वो फैंटम पोकेमोन। तो डेफिनेटली बात है, रेड को तो पता नहीं था उस टाइम पे, किसी को भी पता नहीं था कौन सा पोकेमोन क्या है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है जो मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर डिस्कवर की हुई थी, और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। ओ भाई, देर इज़ नो साइन ऑफ फैंटम पोकेमोन हियर, है यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस। सो फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो एश कैचम है और उसके जो फादर है, वो हमारे पहले ही जर्नी के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ पे हमारे जो राइवल है, जिसका नाम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, शायद से हम लोग इसको नाम दे देंगे, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग, यू ऑलमोस्ट हैड इट, आउट ऑफ माय वे, इट्स माय टर्न। सो अभी हम लोग बैटल करेंगे म्यू के साथ, और मैं डेफिनेटली कैप्चर करना चाहता हूँ म्यू को, लेकिन आशियस बियर्ड हमारे पास फिलहाल नहीं है पोकेबॉल्स। तो पोकेबॉल्स नहीं होने के कारण हम लोग हिप्नोसिस यूज़ करके इसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एज अ स्टार्टअप बहुत ही बुरा चीज़ नहीं हो सकता। हम लोग डिफीट करना चाहते हैं फैंटम पोकेमोन को, और बहुत ही इजी चैलेंज है, क्योंकि फैंटम पोकेमोन है ऑलमोस्ट लेवल 5 का। जब तक स्लीप में है तब तक इसको हरा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या क्या कर सकता है पता नहीं। और यहाँ पे हिप्नोसिस भाई ट्रांसफॉर्म कर लिए बंदा, और उसके पास भी रहेंगे हिप्नोसिस, पाउंड और बबल अटैक, तो हम लोग को उससे भी बचना पड़ सकता है। पोशन यूज़ नहीं कर सकते पोकेबॉल में, चेक कर रहा था है कि नहीं है, लेकिन नहीं है हमारे पास पोकेबॉल। डेफिनेटली कैप्चर करना चाहता था मैं निडोरिनो को, और उसके साथ साथ म्यू को, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन जो सिनेमैटिक्स है वो सिनेमैटिक्स है, जो पोकेमोन का गेम का जो भी उन्होंने जो सोचा है उस हिसाब से उन्होंने रखा होगा, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम लोग ने हरा दिया ज़रूर म्यू को, और उसके पास है चार्मेंडर, ये तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि हमारे पास है बल्बासोर, तो हमारे बेस्ट ट्राइबल के पास रहेगा उसका अपोजिट और सबसे स्ट्रांगेस्ट। इसी के साथ चैप्टर एंड हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर है मिसिंग पोकेमोन का, जिसको हम लोग चेकआउट करेंगे ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, लेकिन पहले ये चेक कर लेते कि हमारी मॉम क्या बोलना चाहती हमारे के साथ। और ट्रेनिंग लाइक अ फादर लाइक अ सन आई सपोज, और हम लोग ज़्यादा ही देर सो गए ऐसा लगता है, और उसके वजह से हम लोग अभी ओके मॉम बोल रही है कि प्रोफेसर ओक के पास जाना है, और डेफिनेटली रेड के कैरेक्टर को प्रोफेसर ओक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे दिखाई दे रहा है हम लोग को, लेकिन प्रोफेसर ओक के साथ मीटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमारी ऑलमोस्ट जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और आई विल गो नाउ, ओके ठीक है, बहुत ही बड़े झगड़े के बाद हम लोग अभी फैशन बॉक्स मिल गया हम लोग को, अच्छी बात है। फैशन बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे क्लोज हो सकते हैं, कैब भी जो भी है वो भी सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चेकआउट करेंगे, प्रोफेसर ओक के पास जाएंगे और आगे की जर्नी को रिवील करेंगे। मैं सेव कर रहा हूँ गेम को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे लाइक बटन प्रेस करके बता सकते हो, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन खुला है भाई लोग, वहाँ पे जाके सजेस्ट कर दो। और एक और चीज़, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा अच्छा गेमिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सजेशन में अभी से लिख दो कि आप नेक्स्ट गेम प्ले कौन सा देखना चाहते हो गाइस, और ये सजेशन का ही गेम प्ले है जो मैं अभी लेके आया हूँ, सजेस्टेड गेम है ये, और उस सजेशन के लिए थैंक यू। मुझे ज़रूर पता है आप देख रहे होंगे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से।
ड्रैगन बॉल फाइटर्स ही बोलने वाला था, वो भी चेकआउट कर सकते हो लेकिन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।